एक पांच टाइम का निवाजी पहले तो निवाज पढ़ता है और फिर कर डालता है अपनी 20 साल की बेटी और उसके प्रेमी का कत्ल। ताबड़तोड़ गोलियों से खून डालता है दोनों को। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या माजरा था जो दोनों को खून डाला? पूरे मामले की जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में। यहाँ पर एक गांव पड़ता है बधौली। यहाँ पर तौसिफ नाम का एक 45 साल का आदमी रहता है। दोस्तों, उसकी शादी के बाद उसको एक बच्ची होती है और बच्ची की उम्र हो जाती है 20 साल। बच्ची का नाम होता है सोनी। दोस्तों, अपने परिवार के साथ बड़े प्यार से रहता है, पांच टाइम का निवाजी होता है ये तौसिफ। दोस्तों, पांच टाइम नमाज पढ़ता है और पांच टाइम नमाज पढ़ने के बाद अपने अल्लाह, अपने ईश्वर को याद करता है और अपना कामकाज करता है। दोस्तों, कहानी कहां से बदलती है, जो सोनी उसकी इकलौती बेटी होती है उसको साथ के ही एक लड़के से प्यार हो जाता है। लड़के का नाम होता है आरिफ। दोस्तों, आरिफ के साथ सोनी प्यार करने लगती है। काफ़ी दिन तक उनका प्यार चलता है, कुछ पता नहीं चलता है घर वालों को। काफ़ी दिन बीतने के बाद सोनी के पिता को पता चल जाता है। दोस्तों, सोनी के पिता को पता चलने के बाद सोनी का पिता अपनी बेटी को घर बुलाता है। घर बैठाकर उसे समझाता है कि बेटी, ये हमारा आपस का मामला है, हमारा पड़ोस का मामला है, आप ऐसा काम मत करो, इससे हमारे परिवार की बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी। दोस्तों, सोनी कहाँ मानने वाली थी, वो तो प्यार में पागल थी। दोस्तों, प्यार को परवान चढ़ाती हैं एक दूसरे, आपस में इतना प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, जो तौसिफ होता है लड़की का, सोनी का पिता, वो आसिफ के पिता के पास पहुंचता है, उसके घर जाता है और आसिफ के पिता को यही बोलता है कि हमारे जो बच्चों का संबंध है वो एकदम गलत है, दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं, इनको रोको, ये अच्छी बात नहीं है, हमारा आपस का जो संबंध है, भाईचारे का संबंध है, ये आगे ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, आरिफ के पिता इस चीज़ को लाइटली लेते हैं, ज़्यादा गौर इस पर नहीं देते हैं। वो सोचते हैं, यार बच्चे हैं, इस उम्र में ऐसा हो जाता है। दोस्तों, कहानी कहाँ से बदलती है, जो तौसिफ होता है वो जमात के लिए 3 दिन के लिए बाहर चला जाता है। दोस्तों, 3 दिन जमात में बाहर चला जाता है, 3 दिन वहाँ पर जमात पढ़ता है। 3 दिन के बाद जब वापस घर आता है तो एक नज़ारा अलग ही देखता है। उसके खुद के घर की छत पर खड़ी हुई उसकी बेटी और सामने बाजार में खड़ा हुआ आरिफ एक दूसरे को इशारे कर रहे होते हैं, आँखों ही आँखों में कुछ बातें कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ पिता खुद अपनी आँखों से देखता है और वो अश्लील तरह से इशारे कर रहे होते हैं, उसमें अश्लीलता एकदम से दिखाई देती है। तौसिफ का दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है और वो अपने घर के अंदर जाता है, वहाँ से एक बंदूक निकाल के लाता है और बंदूक लाकर सीधी बार आरिफ पर कर देता है। आरिफ के पेट में गोली लगती है। दोस्तों, पेट में गोली लगने के बाद वो वहाँ से लुढ़कता पुड़कता अपने घर के लिए भाग देता है। रास्ते में बाजार में भीड़ होती है, भीड़ से बच बचा के वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसे ही वहां पहुंचता है तौसिफ वहीं पहुंच जाता है और 4-5 गोली उसके सिर में मार देता है। दोस्तों, आरिफ की मौके पर ही मौत हो जाती है। तौसिफ अपने घर के लिए वापस आता है तो जो उसकी बेटी होती है सोनी, वो घबराई होती है। तो दोस्तों, तौसिफ अपने घर के अंदर प्रवेश करता है और उसके हाथ में जो बंदूक होती है उससे अपनी लड़की पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देता है। 5-6 गोली उसके सिर में मार देता है। और दोस्तों, यहीं पर नहीं रुकता है, वो खुद कैंटीन के अपने घर के अंदर जो रसोई घर होता है उसमें जाता है और चाय बनाता है। चाय बनाकर वहीं पर लाश के सामने कुर्सी डालकर वहीं पर चाय पीता है। दोस्तों, उसको एक तरह से भी, एक प्रकार से उसे ऐसा नहीं होता कि मैंने कुछ गलत किया है, वो खुद आराम से बैठकर चाय पीता है। पुलिस आ जाती है। दोस्तों, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। ता है, यहाँ पर एक नहीं दो मर्डर हो जाते हैं। अब तौसिफ मुजरिम बन जाता है, दो मर्डर का उसके ऊपर इल्ज़ाम हो जाता है। दोस्तों, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे बनते हैं, क्या
तौसिफ को ऐसा करना चाहिए था? क्या जो सोनी और आरिफ आपस में प्यार कर रहे थे, क्या उनका प्यार करना जायज था या नाजायज था? कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, क्या ऐसे प्यार को जायज समझा जा सकता है? समाज में ऐसा प्यार हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या तौसिफ ने गलत किया या सही किया? तो दोस्तों इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियो हमारे चैनल पर हैं, हमारा YouTube चैनल भी है APH न्यूज़ के नाम से, वहां पर भी जाकर आप हमें फॉलो करें, वहां पर भी आप लोगों के सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों इसी तरह के सच्चाई के आधारित वीडियो हम लेकर आते हैं, आगे भी लेकर आते रहेंगे, आप लोगों का सहयोग हमें भरपूर मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे, यही हम कामना करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।